और आप देख रहे हैं खबर हंगवेल। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान के संबोधन में उतरे पूर्व सांसद, श्याम बसंत महोत्सव का होगा आयोजन, शव मिलने से क्षेत्र में मची सनसनी। और अब खबरें विस्तार से। सुपौल के पूर्व सांसद रजीत रंजन और पप्पू यादव की रैली को संबोधन करते हुए संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान को लेकर सिमराही बाजार के लखीचंद हाई स्कूल प्रांगण में CAA, NPR और NRC के खिलाफ एक जनसभा का आयोजन किया गया। पूर्व सांसद सह कांग्रेसी नेत्री रजीत रंजन और जन अधिकारी पार्टी के राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सभा को संबोधित किया। जनसभा में भीड़ देख नेतागण गदगद दिखे और अपने संबोधन में केंद्र सरकार के इस बिल का घोर विरोध किया। वहीं पीएम मोदी और गृह मंत्री को जमकर लताड़ा। इस मौके पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कन्हैया कुमार के आजादी के नारे भी लगाए। सभा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान कार्यकारी युवा जिलाध्यक्ष अमरदीप कुमार के नेतृत्व में 120 मीटर तिरंगा के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। कश्मीर बोल ले आजादी, कम में बोल ले आजादी, खून से लिख दो आजादी, कफन पे लिख दो आजादी। NRC और NPR को लेकर के एक जनसभा का आयोजन किया गया था और जिसमें हमारे कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता और पूर्व सांसद श्रीमती रंजीत रंजन ने और साथ ही साथ पप्पू यादव जी ने सभा को संबोधित किया और हमें एकजुट रहने के लिए ये एक संदेश दिया कि हम लोग CAA, NRC और NPR के विरोध में एकजुट रहें और साथ में इनका विरोध करें। जो देश को एक करना चाहते हैं, जो देश से प्यार करते हैं, जो देश के संविधान से प्यार करते हैं, जो देश के संविधान को मानते हैं, वो सब इन सभाओं में। सुपौल के सदर बाजार के राम जानकी ठाकुर बाड़ी में आगामी 8 और 9 तारीख को श्याम बसंत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजक मंडली के संदीप कुमार ने बताया कि श्याम बसंत महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर के भजन गायक और गायिका भी शिरकत करेंगे, जिसमें रेशमी शर्मा, अमित पोद्दार, राज पारिक, परविंदर पलक सहित कलकत्ता के डांस ग्रुप शामिल हो रहे हैं। इसके लिए भव्य पंडाल का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में सैकड़ों लोग निशान यात्रा में शामिल होंगे। ये प्रोग्राम हमारा 8 तारीख को होगा, रेशमी शर्मा जी का और राज पारिक का, और साथ में अमित पोद्दार रहेंगे 8 तारीख को। 9 तारीख की सुबह में राज पारिक और रश्मि शर्मा का प्रोग्राम 8 तारीख को समाप्त हो जाएगा। 9 तारीख को परविंदर पलक आ रही हैं फतेहाबाद से, ये भी राष्ट्रीय कलाकार हैं, स्टार कलाकार की इनका दर्जा है इनका ये, और अमित पोद्दार और प्लस झांकी कलकत्ता की काजल डांस ग्रुप की झांकी आ रही है। ये 8 या 9 तारीख को ये पूरा कार्यक्रम देगी। 9 तारीख को लगभग ये 9 बजे शुरू होगा ये कार्यक्रम। उसके साथ साथ हमारा सवा मनी प्रसाद और 56 भोग का प्रसाद, ये एक टाइप का कबूला होता है, जिस लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं उनके अगेंस्ट में ये सवा मनी का प्रसाद और 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसमें भी लगभग हम लोगों की 60-70 आदमियों ने अपना अर्जी लगा दी है कि हमारा सवा मनी का और 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाए। उन लोगों का प्रसाद ऐसे क्यों लगेगी, कतारबद्ध होकर के लोग वहाँ बैठेंगे, वहाँ एक ज्योत जलेगी, उस ज्योत में घी अर्पण करके वो प्रसाद अर्पण करेंगे और वापस सब अपने अपने प्रसाद लेकर के फिर अपना भजनों कीर्तनों का आनंद लेंगे। और 3 बजे के लगभग ये कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात व्यापार संघ के प्रथम तल पर पूरे समाज के सभी लोगों का हम लोगों ने भंडारा के लिए आमंत्रित किया। भंडारा इज ए कॉल्ड प्रसाद, प्रसाद मतलब बृहद प्रसाद, आप उसमें भोजन टाइप का प्रसाद होगा, वो खीर चूरमा बुनिया भुजिया सब्जी रोटी पूरी सब इस टाइप का प्रसाद ग्रहण करके फिर लोग अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएं। सुपौल से कुणाल कुमार की रिपोर्ट। ग्राम सुलगाव के समीप नर्मदा किनारे पानी में तैरता हुआ एक शव मिला है। शव मिलने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोर की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए धर्मपुरी के सरकारी अस्पताल भेजा गया है।
धर्मपुरी पुलिस ने जानकारी में बताया कि शव के दाहिने हाथ पर मोहन कुंतीबाई लिखा हुआ है, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है। शव ने लाल काले रंग का शर्ट और सफेद रंग की बनियान पहनी हुई है। शव करीब 4-5 दिन पुराना लग रहा है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस लगातार शव की जाँच कर शिनाख्त में जुटी हुई है। हाँ, ये गोगावा गांव के पास में नर्मदा किनारे अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। उम्र करीबन 35 से 40 साल है। नर्मदा किनारे पानी में थी, जो 4-5 दिन पुरानी लाश लग रही है। उसके दाहिने हाथ पे मोहन कुंतीबाई गुंदा हुआ है। अभी शनाख्त भी नहीं हुई है। उम्र कायम कर जांच की जा रही है। शव को देखकर क्या लग रहा है? शव को देखकर लगता है कि पानी में डूबी हुई प्रतीत होती है। पोस्टमार्टम कराने के बाद स्पष्ट किया जाएगा। धर्मपुरी से नितेश दसौंधी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबर इंडिया के साथ। जनता की बुलंद आवाज।